मानव योनि के मुख्य तीन काम होते हैं। एक होता है जब किसी फीमेल को मंथली पीरियड आता है तो यही वजाइना पीरियड्स के ब्लड को पास करने के लिए पैसेज वे प्रोवाइड कराता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान यही वजाइना पीनिस को रिसीव करता है और एक बच्चे के जन्म के समय यही वजाइना एक बर्थ कैनाल बन जाता है। मतलब एक औरत की जिंदगी में ये उन सभी बाकी अंगों की तरह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, बस आप ये मत समझ लीजिएगा कि यही एक जरूरी चीज है एक औरत की जिंदगी में, ये कुछ जरूरी चीजों में से एक है। देखिए, जब हम एक स्त्री जननांग के बाहर को देखते हैं तो हम पाते हैं कि योनि के बाहर एक फोल्ड है जो कि योनि को बाहर से ढक कर रखता है। इसे लेबिया मेजोरा कहते हैं। ये स्किन और एडिपोज टिश्यू से मिलकर बना रहता है और इसमें स्वेट ग्लैंड भी रहते हैं। इसी लेबिया मेजोरा के ऊपर हमें दिखता है मॉन्स प्यूबिस, जहाँ पर प्यूबिक हेयर होते हैं जो जेनिटल्स को किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस जैसे जर्म से बचाने के लिए, उन्हें ट्रैप करने के लिए इवॉल्व हुए हैं। लेबिया मेजोरा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे ही हम लेबिया मेजोरा के फोल्ड को खोलते हैं, हम पाते हैं लेबिया माइनोरा को, जिसे इनर लिप्स भी कहते हैं। लेबिया माइनोरा सेबेशियस ग्लैंड कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजिनल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर जैसे ही हम इस लेबिया माइनोरा को भी खोलेंगे तो हम पाते हैं कि ये अपने अंदर प्रोटेक्ट किया रहता है वेजिनल ओपनिंग को, यूरेथ्रल ओपनिंग को जहाँ से यूरिन पास होता है, और क्लिटोरिस हुड को। वास्तव में ये क्लिटोरिस लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पॉइंट पर ही मौजूद रहता है, जहाँ पर लगभग 8,000 नर्व्स एंडिंग होती है। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है और इसका सेक्सुअल प्लेजर में बहुत ज्यादा रोल होता है। जब हम इस एक्सटर्नल पार्ट को निकाल कर क्लिटोरिस को अंदर से देखते हैं तो हम पाते हैं कि क्लिटोरिस कुछ इस प्रकार का होता है और इसके और वजाइना के बीच में एक टिश्यू होता है जिसे वेस्टिब्यूल ऑफ वजाइना कहते हैं, और ये वजाइना और यूरेथ्रल ओपनिंग को सपोर्ट करता है। देखिए, फीमेल जेनिटल्स का जो भाग अभी हम जान रहे थे वो है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसे वल्वा भी कहते हैं। फिर जैसे ही हम इस वेजिनल ओपनिंग के अंदर की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वजाइना एक ट्यूब की भांति कैनाल की तरह होती है, जिसकी लेंथ लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसका जो एंटीरियर वॉल है वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। जब एक महिला सीधी खड़ी रहती है तो उसके वजाइना की पोजीशन उसके पेरिनियम से 45 डिग्री तक होता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर की ओर और थोड़ा सा पीछे की ओर। वजाइना के अंदरूनी वॉल के ऊपर कुछ फोल्ड्स बने हुए होते हैं जो कि बच्चे की बर्थ के समय स्ट्रेच हो जाते हैं, इसीलिए इसका फंक्शन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, वजाइना से जैसे ही हम अंदर की ओर जाते हैं तो जहां पर वजाइना एंड होता है वहां पर शुरू हो जाता है एक स्त्री का गर्भाशय, जिसे इंग्लिश में यूटेरस या वोम्ब भी कहते हैं। गर्भाशय का वो भाग जो वजाइना से लगा रहता है उसे सर्विक्स कहते हैं और यही से स्पर्म एंट्री करता है यूटेरस के अंदर। देखिए, जहां पर वजाइना और यूटेरस आपस में मिलते हैं वहां पर वजाइना यूटेरस के पास कुछ फॉर्निक्स बनाती है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्पर्म को यूटेरस तक ले जाने में मदद करता है। देखिए, वजाइना के ठीक ओपनिंग के पास महिलाओं में एक ग्लैंड होता है जिसे बार्थोलिन्स ग्लैंड कहते हैं। ये वजाइना के इंटीरियर वॉल को लुब्रिकेट करता है और उसे मॉइस्ट बनाए रखता है, क्योंकि बार्थोलिन्स ग्लैंड एक म्यूकस सिक्रेट करता है जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी में वजाइना के वॉल में लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ठीक इसी तरह औरतों के यूरिथ्रल ओपनिंग के पास भी एक ग्लैंड होता है जिसे स्केनेज ग्लैंड कहते हैं, और इसका काम ये होता है कि ये यूरेथ्रा के पास कुछ लिक्विड सीक्रेट करता है जिसे यूरेथ्रा क्लीन रहे। और माना जाता है कि जैसे पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक उसी तरह महिलाओं में ये ग्लैंड मौजूद रहता है। और महिलाओं के जननांग के बारे में सबसे बड़ा रहस्य जो अभी तक सुलझा नहीं पाया गया है वो ये है कि महिलाओं के वजाइना की ओपनिंग के थोड़ा अंदर एक मेम्ब्रेन क्लियर होती है जो कई तरह के एक्टिविटी के दौरान स्ट्रेच हो जाती है, जैसे रनिंग, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग के दौरान। और इसका पर्पस क्या होता है,
वैज्ञानिक अभी तक इसका खोज नहीं कर पाए हैं, पर माना जाता है कि वजाइना के अंदर किसी भी प्रकार का डस्ट या गंदगी न जाए, इसीलिए प्रकृति ने ऐसा महिलाओं के अंदर डेवलप किया है। हालांकि कुछ लोग इसे औरतों की वर्जिनिटी से भी जोड़ते हैं, पर यह बिल्कुल भी तार्किक बात नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बहुत ही छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी दे पाने में मैं सक्षम हो पाया हूँ।